चलिए आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन। ठीक है, पीछे हम पढ़ चुके हैं रिलेशन और रिलेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। तो फंक्शन क्या है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए रूल विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन एक्स एंड वाई इन वाई। और जो वाई होता है वो यूनिक एलिमेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। और फंक्शन जो वर्ड है ये सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन थे लेबनीज, उन्होंने ये वर्ड दिया था फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। मैं यहाँ पे सेट ले रहा हूँ, एक सेट मैं एक्स ले रहा हूँ और उसमें एलिमेंट ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4। सेकेंड सेट में ले रहा हूँ वाई और इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। ये दो नॉन एम्प्टी सेट आ गए। अब ये जो नंबर हैं दोनों, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं बाय सम रूल, बाय सम रूल। वो रूल क्या है, यहाँ पे देखें, ये मैं ऐसे इस फॉर्म में लिख लेता हूँ और ये आ गया 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 ये 3 ये 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बन गया, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8, 10, 12। तो 12 यहाँ पे है नहीं, तो आप रहने दो। अब देखो 1 एसोसिएट कर रहा बेटा 2 के साथ, 2 एसोसिएट कर रहा 4 के साथ, 3 एसोसिएट कर रहा 6 के साथ, 4 एसोसिएट कर रहा है 8 के साथ। अब यहाँ पे कुछ रूल फॉलो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। इसका मतलब ये जो x और y है, ये दो सेट जो हैं ये कुछ रूल फॉलो कर रहे हैं और उस रूल को हम फंक्शन बोलेंगे। और वो हमारा डिफाइन क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ? और यहाँ पे जो x है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल X को, जो हमारा पहला सेट है। आप देखें, अब 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो 2 × 1 तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, और इसे हम y भी लिख सकते हैं, y इज गुड एफ एक्स इट इज 2। तो 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आ गया, 2 पुट करेंगे 4 आ गया। तो मतलब ये जो y है ये किसके सेट में आ रहे हैं, कैपिटल वाई में। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन। और इस फंक्शन को हम सम टाइम ये जो एफ से डिनोट करते हैं, आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा, जी से भी डिनोट कर सकते हैं, एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, एफ सच दैट द फंक्शन, इसी फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो फंक्शन From set x to y, defined y fx is equal to 2x। सिमिलरली यहाँ f लिया हमने, वो इसलिए कि फंक्शन का पहला जो लेटर है वो f है, तो हमने f ले लिया। आप यहाँ पे g भी ले सकते हैं, g such that x tends to the set, the function from set x to set y defined by f। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी g x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो दिस इज फंक्शन। अब फंक्शन जो है आपके जो प्लस टू में जो सिलेबस है उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। वैसे आप 11th क्लास में बहुत सारे फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। तो अब हम यहाँ पे तीन टाइप के हमारे पास फंक्शन हैं, तो हम देखते हैं वो क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ मैपिंग्स लिखी हुई हैं, F1 फंक्शन एक रिप्रेजेंट कर रहा है, जो F2 रिप्रेजेंट कर रहा है, या F3 कर रहा है, जो F4 रिप्रेजेंट कर रहा है।
फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? देखो तीन तरह के यहाँ पे फंक्शन हैं। पहला वन वन, सेकेंड ऑन टू, और थर्ड वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, और वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं, और वन वन और जो ऑन टू है इसे हम बोलते हैं बाई जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन लेते हैं वन वन। वन वन जो फंक्शन है वो किस टाइप का होता है? देखो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए सेट एक्स टू वाई। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये एक्स और वाई हैं, सब में एक्स और वाई दो दो मेरे पास यहाँ पे सबसेट हैं, और यहाँ पे हम एफ को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो वन वन का क्या मीनिंग है? इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई, क्या बोला मैंने, दिस फंक्शन इज नोन एज वन वन इफ एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, दोनों एलिमेंट आपके अलग अलग हैं तो उनके इमेजेस भी अलग अलग होंगे। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स ऑफ टू। अब यहां पे देखें जो एफ वन है, ध्यान से देखें, वन का जो इमेज है वो क्या है, दो का क्या है, थ्री का सी, फोर्थ का डी। इसका मतलब जो फोर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट इमेजेस, तो ये कौन सा हुआ फंक्शन हमारे पास, किस टाइप का हुआ, वन वन फंक्शन हुआ। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, अगर दो एलिमेंट ऑफ एक्स सेट के इक्वल हों तो उनके इमेजेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या मुझे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने पहला तो बोल दिया कि ये वन वन है, कोई और जो मैपिंग मैंने लिखी है, क्या कोई और वन वन फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? हाँ जी, फोर्थ वन। देखो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट, इसका मतलब जो हमारा वन वन फंक्शन है वो कौन से हैं, एफ वन एंड एफ फोर। अब ये बताएं कि जो एफ टू और एफ थ्री को हम क्या बोलेंगे, जब कोई फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, मैनी टू वन, क्या होगा। अब ये दो जो बचे हैं क्या ये मैनी टू वन हैं? ये देखो इस एलिमेंट का इमेज क्या है बेटा, और टू का इमेज क्या है, यहाँ पे देखिए वन का इमेज क्या है और टू का इमेज क्या है, तो मैनी मैनी एलिमेंट हैव सेम इमेज, मैनी एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो ये आ गया मैनी टू वन। डिफरेंस समझ आ गया। सेकेंड ऑन टू, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ऐसे ही, ये एफ सच दैट आर द फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई फॉर एनी एलिमेंट ऑफ वाई, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ वाई देयर मस्ट बी देयर एट लीस्ट देयर वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन एक्स। बात समझाए नहीं, कोई एलिमेंट
बाई में से आपने लिया और उसका कोई ना कोई आपको एक्स में एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका वो इमेज है, या मैं ये कहूँ कि कोई भी एलिमेंट आपने वाई में लिया उसका प्री इमेज आपका एक्स में होना चाहिए, कम से कम एक, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक इमेज आपका होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं ऑन टू। ठीक है, जो समझ गए मेरे कैसे, देखो फार अगर y कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है y सेट को, तो इस देयर मस्ट बी एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट आपको जरूर मिलना चाहिए, किसमें कौन सा x मिलना चाहिए, किसमें किसमें मिलना चाहिए x में, जिसका जे प्री इमेज है सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे ऑन टू। अब इसमें से बताओ कौन से फंक्शन ऑन टू हैं, चलिए बताए। हाँ जी f 4, आप बोलते हैं f 4 ऑन टू है, और f 1 के बारे में क्या बोलते हैं आप, मैंने क्या कहा y के एवरी एलिमेंट ऑफ y उसका एक ना एक प्री इमेज आपको मिलना चाहिए, तो इसमें e है छूटा हुआ है, इसका प्री इमेज है ही नहीं है, तो ये ऑन टू तो हो नहीं सकता, ये ऑन टू हो सकता है, ये ऑन टू हो सकता है, कैसे नहीं, y का जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट जो y का है उसका एक प्री इमेज आपको एटलीस्ट वन प्री इमेज आपको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है तीनों के प्री इमेज हैं, हालांकि यहाँ a के दो एलिमेंट है, मतलब इस इमेज के दो एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, तो मैंने कहा एटलीस्ट वन तो मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा भी मिल जाएं। यहाँ पे देखिए चार एलिमेंट हैं, चारों के आपको प्री इमेज मिल रहे हैं, लेकिन इसमें e छूट जा रहा है, a छूट जा रहा है, इसमें e छूट जा रहा है, ये दोनों जो हैं वो नहीं है ऑन टू, तो ऑन टू कौन से आ गए f3 एंड f4, अगर ऑन टू नहीं है तो वो फिर फंक्शन होगा इन टू, तो इन टू फंक्शन कौन कौन से है फिर यहाँ पे, ओके ठीक है, लास्ट वन है वन वन ऑन टू, तो ये तो आपको यहीं से दिख रहा है कि वन वन ऑन टू, मतलब ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो, और उसे हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया वन वन एंड ऑन टू, तो बताओ यहाँ से वो कौन कौन से फंक्शन हैं एफ वन या एफ टू एफ थ्री या एफ फोर, चार फंक्शन हैं, चारों में से आप बताएं कौन सा वन वन तो ऑन टू दोनों हैं, फोर्थ थर्ड है, थर्ड ऑन टू तो है पर वन वन नहीं है, ये वन वन भी हैं ऑन टू भी है, वन वन में हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट इमेज मिलेगा आपको, और हर एक एलिमेंट का जो वाई में है उसका प्री इमेज आपको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपके पास जो वन वन ऑन टू है वो कौन सा आया एफ फोर, ठीक है, तो इसे हम बाईजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, मैं पीछे मुझे बतानी चाहिए थी मैं बता नहीं पाया, कि ये जो फर्स्ट सेट है इसके जो एलिमेंट उसको एक्स बोलते हैं और इसे हम क्या बोलेंगे प्री इमेज, और जो एक्स है इस सबसेट को इस सेट को हम क्या बोलेंगे, और जो y है उसे क्या बोलेंगे नो कोडमेन, क्योंकि ये जो चार एलिमेंट हैं इनके इमेज हैं इसका नहीं है प्री इमेज, लेकिन ये इसके सेट में तो है ना, तो अगर इसके सेट में हैं लेकिन इसका इमेज नहीं है हमारे पास, प्री इमेज नहीं है, तो ये इस इसका
रेंज नहीं होगा, रेंज कौन होगा? रेंज जो है आपकी वो है रेंज सबसेट ऑफ वाई, सम टाइम इक्वल हो सकती है, सम टाइम इक्वल नहीं हो सकती है। देखो इसमें नहीं है पर इसमें है, देखो इसमें तीन एलिमेंट हैं और सबके प्री इमेज हैं, तो ये रेंज भी है और ये कोडमेन भी है। यहाँ पे ए बी सी डी चारों एलिमेंट के प्री इमेज हैं, तो ये ए बी सी डी किस में है? रेंज है जी। और आप देखें कि इस सेट में एलिमेंट भी यही हैं, तो सेट के जो एलिमेंट है वो कोडमेन होंगे, तो सम टाइम आपके पास जो है रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ वाई। और ये कब हो रहा है? जब वन वन हो रहा है, हो रहा है वन वन, और ऑन टू हो रहा है, वन वन पे हो रहा है, यहाँ वन वन था, तो क्या यहाँ पे ये जो रेंज है क्या वो कोडमेन के इक्वल है? नहीं। तो कब होगी? जब फंक्शन आपका ऑन टू होगा, जब फंक्शन आपका ऑन टू होगा तो ये जो आपके एलिमेंट है इसमें ये रेंज के इक्वल होंगे। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे ऑन टू के जब एक्सरसाइज के, तो अब यहाँ पे ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा। और ये क्यों हो रहा? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो है ऑन टू में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होता है, तो वो फिर रेंज भी होती है इसकी। ठीक है, चलिए फिर हम इस एक्सरसाइज करते हैं आगे, तो इसे नोट कर लो आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं जी, आप एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है जी, तो हम क्या चेक करना चाहते हैं? इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी मतलब वन वन और सब्जेक्टिविटी ऑन टू। तो वन वन का हमने पहले सॉल्व करना है, तो दो क्वेश्चन लिए मैंने, एक क्वेश्चन पहला ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे आ गया एफ एन सेट टू एन, ये एक्स भी एन है, यहाँ पे वाई भी आपका एन है, और डिफाइन वाई जो रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है फंक्शन वो कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या जी? वन वन। तो वन वन क्या कहता है? कब होगा वन वन फंक्शन? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज डिफरेंट इमेजेस इन दिस एन। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वन एक्स टू दो नंबर ले लेता हूं मैं एन से, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू एन सच दैट कि इनके जो इमेजेस हैं, ये इनके इमेजेस हैं वो क्या है? सेम। मैं लेट कर लेता हूं कि एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट हैं, ये पहले सेट को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एन टू एन है, तो ये एक्स है ये वाई है, तो मैंने ले लिया कि एक्स वन एक्स टू दो नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो सच दैट कि उनके जो इमेजेस हैं वो मैंने सेम कर लिए। अगर इमेजेस सेम हैं तो इनके जो नंबर हैं जो एलिमेंट हैं वो भी क्या होंगे? सेम होंगे ना, तभी वो वन वन होगा। तो देखते हैं इसे है नहीं, तो यहाँ पे एफ एक्स आपको क्या डिफाइन किया है? एक्स स्क्वेयर। क्या मैं यहाँ पे एक्स वन का स्क्वेयर लिख सकता हूँ बेटे, और दूसरा एक्स टू का स्क्वेयर लिख सकता हूँ बेटा, और दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लो, क्या आएगा? एक्स वन एक्स टू, क्या यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा? आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? एन क्या होते हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव?
नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ नेगेटिव कैसे आएगा? तो x1 इज इक्वल टू, तो आपने इमेजेस बताए सेम और एलिमेंट आ गए सेम, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है क्या है? वन वन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज वन वन। अब आप प्रूव करना चाहते हैं ऑन टू, क्या आप प्रूव करना चाहते हैं? ऑन टू। अब ऑन टू के लिए, ऑन टू में क्या कहा था मैंने कि जो y में जो एलिमेंट हैं उनका, सभी एलिमेंट्स का कोई ना कोई कम से कम एक तो प्री इमेज रहेगा, प्री इमेज। अच्छा, तो मैं इसको ना इस तरीके से कर रहा हूँ, देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के, हर बुक से जो अलग अलग मतलब मेथड यूज़ करती है, तो मैं यहाँ पे क्या मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ना एक ना टू ले रहा हूँ, और टू जो एलिमेंट है क्या वो एन को बिलोंग करेगा? तो मैंने एन कौन सा लिया बेटा? ये वाला, मतलब यहाँ पे ये सपोज करो कि मैंने वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई ले लिया, आप ये मान के चले हमें कोई वाई में कोई एलिमेंट लेना था, फिर हमने प्रूव करना है कि इसका प्री इमेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रूव करके बताएंगे कि ये वाई हमने ले लिया है तो इसका प्री इमेज भी मिलता है, प्री इमेज जो है एग्जिस्ट करता है। अब देखते हैं वो करता नहीं करता। टू किसे बिलोंग कर रहा है? एन को। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका जो प्री इमेज है वो किस में मिलना चाहिए? इसमें मिलना चाहिए। अब देखते हैं, अगर ये टू इसको एन को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे आपको कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा। देखो कैसे, देर इज नो प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई एग्जिस्ट इन एक्स, प्री इमेज एक्स इन कैपिटल एक्स सच दैट, कैसे देखो, एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा? वाई। एफ एक्स क्या होना चाहिए? यहाँ वाई हमने क्या ले लिया हुआ, और एफ एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स। तो मेरे पास आ गया, यहाँ मैं यही मान लूँ कि एक्स स्क्वायर कितना आ गया, आगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करें क्या आता है? तो x की वैल्यू आई, अगर इस हिसाब से हम करें कि अगर 2 आपके पास एक एलिमेंट जो है वो y में है तो उसका प्री इमेज आपके पास कितना आ गया? तो क्या जो रूट 2 है ये इस n को बिलोंग करता है? रूट 2 क्या है? नेचुरल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, तो फिर इसका प्री इमेज देते हो ही नहीं सकता। तभी मैंने लिखा कि देर इज नो प्री इमेज ऑफ वाई एग्जिस्ट, तो ये हमने कर दिया है हम शो। आप चाहें तो इसे ना भी लिखें, ये सब समझाने के लिए था, आप यहाँ तक भी रहने दें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के बराबर हो ही नहीं सकता, आपको जो होल नंबर चाहिए, यहाँ पर रूट आ जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या गया, इट इज नॉट ऑन टू। चलिए एक और क्वेश्चन लेते, फिर आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखिए, एक और लेते, सेकंड क्वेश्चन देखें। अब आपके पास जो फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। पहले डिफाइन हुआ नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर, और बाय सेम है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब देखते हैं कि इस सेट के ऊपर, ये सेट है एक्स, ये है वाई, तो ये जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या ये वन वन है? ऑन टू है, तो वन वन के लिए आपके पास क्या है मेथड? कि दो नंबर लेने हैं, दो एलिमेंट लेंगे, कोई एलिमेंट ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, एक्स वन एक्स टू भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना नंबर ले रहा हूँ अलग अलग। देखो लेट एक्स वन मैं वन ले रहा हूँ बेटा, और एक्स टू को मैं माइनस वन ले रहा हूँ,
तो दोनों इमेजेस क्या है बेटे, दोनों एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है। तो इनके इमेजेस भी क्या आने चाहिए? डिफरेंट। अब देखते हैं इनके इमेज डिफरेंट आ रहे हैं। पुट करें एफ ऑफ वन, मतलब आप एफ ऑफ एक्स वन दैट इज एफ ऑफ वन दैट इज वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर एफ ऑफ एक्स टू है एफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। आगे इक्वल आगे, तो आपके पास क्या आ गया? वी हैव एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं है, बट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वन वन है? नो, तो इट इज नॉट वन वन। नेक्स्ट हम प्रूव करना चाहते हैं ऑन टू। क्या प्रूव करना चाहते हैं? ऑन टू। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू का हम कैसे करें? या तो आप कोई नंबर ले लें, ठीक है, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ माइनस टू बिलोंग टू आर, क्या ये सही है? मैंने ये जो ये वाला जो सेट है आर, इसमें कोई एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट को हम क्या है, ये हमारे पास ऐसे है ना, जै वाई बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई को, तो ये को वाई है यहाँ, तो मैंने माइनस टू ले लिया, तो माइनस टू आर को बिलोंग करता है, ये आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, तो माइनस टू क्या है, रियल नंबर। तो हमने अब इस नंबर का, इस एलिमेंट का क्या ढूंढना है, प्री इमेज, और किस में होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए। अब देखते हैं इसका प्री इमेज है। अब देखो, अगर इसका प्री इमेज है तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई दैट इज माइनस टू, क्योंकि अगर ऑन टू है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि ये y है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस टू, क्या स्क्वेयर टर्म माइनस टू के बराबर हो सकती है? ये एक्स स्क्वेयर है इज इक्वल टू माइनस टू आ गई, क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है? ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप इसे और फर्दर सॉल्व करें तो ये अंडरूट में आ जाएगा, तो अंडरूट में क्या हो गया जी, कोई भी चीज़ जब माइनस अंडरूट में आ जाता है तो वो कौन सा नंबर बन जाता है, प्लस वन में पढ़ा आपने इमेजिनरी। तो हमें एक्स की जो वैल्यू किस में चाहिए, रियल नंबर में, तो आ नहीं रही, तो यहाँ पे हमारा ये इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज नो प्री इमेज एक्स, प्री इमेज ऑफ वाई एग्जिस्ट इन आर। तो यहाँ पे आर लिखा मैंने, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे एक्स लिख दो, तो देर इज नो प्री इमेज ऑफ वाई, देर इज नो प्री इमेज ऑफ वाई हमने वाई कौन सा लिया था हमने, इसका वाई, तो देर इज नो प्री इमेज ऑफ वाई एग्जिस्ट इन एक्स। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आया कर लो, तो ये भी जो वाई है ये भी क्या है आर, तो फिर क्या हुआ, इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है।